बड़ी इज्जत दीती है और मेनू बहुत खुशी हुई है। बहुत आनी है मतलब आप तेरे खुश रखे। चलो माशाल्लाह, कैसा बने ऐसी खाना? बहुत जबरदस्त मतलब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम साजिद मनीर है और आप देख रहे हैं मिन फूड। तो हमारा जो वीडियो का टॉपिक होता है वो खाना बनाना, खाना बनाकर अपने वालदिन को खाना पेश करना। तो आज हम कद्दू गोश्त की हम रेसिपी बना रहे हैं, तो जिसके लिए हमने सबसे पहले ये आग जला ली है और ये कढ़ाई ऊपर रखेंगे इस तरह। तो व्यूअर्स, हमने कढ़ाई जो है वो चूल्हे पर रख दी है। चूल्हे में रखने के बाद अभी हम ऐड करेंगे घी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और इसमें अभी हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, और ज़ीरे के बाद हम ऐड करेंगे इसमें साबुत मिर्च, ये ब्लैक पेपर, काली साबुत मिर्च, और इसके बाद सूखा धनिया हम ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और अभी हम बारीक कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह, और इसको हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब तक हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है तब तक हम ये लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं। इस कुंडी के अंदर इसका बारीक सा पेस्ट बना लेंगे और साथ ही हम ये सब्ज़ मिर्च इसमें डाल देंगे। सब्ज़ मिर्च का भी पेस्ट बन जाएगा। तो ये देखें, जो हमारा प्याज था वो तकरीबन ब्राउन होने वाला है, तो जो लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट था ये देखें वो भी तकरीबन तैयार हो गया हमारा। तो प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, तो इसमें हम ऐड करेंगे ये टमाटर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस प्याज के अंदर। और इसके बाद हम ये लहसुन और सब्ज मिर्च का जो पेस्ट था ये शामिल करेंगे, अच्छी तरह सफाई कर देंगे इसकी, और इसको भी इस मसाले के अंदर, इस प्याज के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ये भून जाएगा तो उसके बाद हम दूसरे मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस मसाले में हल्दी ऐड करेंगे, जिससे मसाले का जो रंग है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। ये हल्दी डाल दी हमने, उसके बाद ये लाल मिर्च ये ऐड कर दी हमने, इसको एक बार हिला देंगे अच्छी तरह चमचे को। ये थोड़ी सी काली मिर्च हमने ऐड कर दी, ये नमक, ये थोड़ा सा और नमक ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे इस मसाले के अंदर। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा जो मसाला है वो तैयार हो गया है, स्पाइसी मसाला हमारा तैयार हुआ है। ये हमारा मसाला जो था बिल्कुल तैयार हो गया है। अभी हम ऐड करेंगे गोश्त, चिकन का गोश्त हम ऐड कर रहे हैं, जो कद्दू है वो बाद में हम ऐड करेंगे। पहले चिकन का गोश्त को हम इस मसाले के अंदर अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये हमने गोश्त ऐड कर दिया, अभी इस मसाले के अंदर इस गोश्त को अच्छी तरह भूनेंगे। हमारा गोश्त जो था वो अच्छे तरीके से भुन गया है, ये देखें। अभी हम ऐड करेंगे ये कद्दू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इस कद्दू को अच्छी तरह इस मसाले के अंदर और इस चिकन के अंदर मिक्स करेंगे, हल करेंगे। ये देखें इस तरह अच्छी तरीके से इसको हम हल कर लेंगे। मसाले के अंदर अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद ऊपर दे दिया ढक्कन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, सुबहानअल्लाह। ये देखें व्यूअर्स, कद्दू जो था वो बिल्कुल मिक्स हो गया है, कितनी प्यारी ये ग्रेवी बनी है, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, माशाल्लाह, अल्लाह की शान, माशाल्लाह, मसालेदार कद्दू गोश्त, ये देखें। एंड में जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा, ये हाथ में इस तरह रगड़ कर ये ज़ीरा डाल देंगे। उसके बाद सब्ज़ मिर्च जो हमने बारीक कटी हुई थी वो डालेंगे, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह ऐड कर देंगे ये सब्ज़ मिर्च भी। और उसके बाद ये सब्ज़ धनिया ये भी ऐड कर देंगे गार्निश के लिए।
ये अभी हम प्लेटों में डालते हैं और उसके बाद अबू वालों को पेश करते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है हमारी कढ़ाई, कद्दू कढ़ाई, कद्दू चिकन कढ़ाई। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। ये देखें इसकी लुक कितनी प्यारी नज़र आ रही है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। हाँ जी अबू जी शुरू करो, बिस्मिल्लाह चाचू शुरू करो। तो दोस्तों ये अबू के बचपन के दोस्त हैं जो कि कराची से स्पेशल आए हैं हमारे गांव में अबू से मिलने के लिए। तो व्यूअर्स मेहमान खाना खा लें, उसके बाद थोड़ी सी गपशप करेंगे। हाँ जी अबू जी खाना खा लिया? खा लिया। राजी हैं अबू? बड़ी इज्जत दी है और मेनू बहुत खुशी हुई है, काफी दिन बाद महफिल फिर बैठ के खाना खाता है। सही हो गया और बड़ा अच्छा खाना खाता है। सही और बच्चे असि इन्हें समझ लंगोटिया यार है ये कदों दी यारी चलदी पई है? तकरीबन 60 साल तो उत्ते हो गया, 60 साल तो उत्ते जेड़े दिन गुजरे साढ़े ना ओ ना समझ आते हो। सही हो गया लेकिन 60 साल जेड़ा है ना जी वो साडा पक्का पक्का होश च गुजरे। सही पक्का पक्का होश च गुजरे और साडे वड्डे जेड़े ने हां जी मेरा वालद हो गया या इसका वालद हो गया, इसकी वालदा हो गई हाँ जी मेरी वालदा हो गई, असी इन्नी अच्छे तरीके ना रहिंदे हुंदे सी कि अगर ये लड़ पैना थोड़ा जा घर किसी ने कुछ कह देना तो दो दो तीन तीन दिन मेरे घर पिया तो पिछले ने फिक्र नहीं होंदी सी। सही मैं नाराज होना तेरे को। सही स्कूल इकट्ठे जाना हाँ जी वापस इकट्ठे आना खेडना इकट्ठे। सही चिड़िया का जमाना सी हाँ जी इस वास्ते कहने लंगोटी है यार। सही हो गया और तकरीबन 60 साल की उम्र हाँ जी मेनू याद नहीं कि असि किसी गल पे भी आपस ना बोले। सही हो गया बस जो आना इतने रहना तभी कट्ठे से शहर चले गए नौकरियां कीतियां जो आना बड़े हस के मिलना जिंदगी च फिर अगे कदे साजिद आ जावे माजिद आ जावे तुसीं फिर भरावां दी गल आ जाओ। बिलकुल निशानी टुरी जांदी है कि यार ये फलाने सीगे इत्थे रह जाणा है। اخلاق بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالی نے زندگی دے آمین بڑا بہترین جناب تو مرغ مسلم بنایا سی ماشاءاللہ اور بڑے شوق نال اور بڑے اچھے طریقے نال کھادا ہے بڑا لذیذ بنیا۔ تھینک یو چاچو۔ ویورز اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، جو نیو دوست ہیں میری ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالی آپ کے ماں باپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ تو نیکسٹ ویڈیو ملیں گے، تب تک دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔